हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। तो कैसे लग रही हैं आप सभी को वीडियो, क्लास 6 to 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल, यानी आपके अपने चैनल पर। हमारा कुछ नहीं है, आपका अपना, हमारी फैमिली। 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, सभी को बहुत बहुत अग्रिम बधाइयां एडवांस में सभी को, मुझे तो मिली नहीं है, साथ में आपका भी यूट्यूब चैनल है, तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत विशेष। हमारे साथ जो आप लोग हैं, अपने साथ हैं, अपनी एक फैमिली है पूरी, जो 8 लाख के आसपास जो हो गई है व्यूवर्स हो गए हमारे, और जो सब्सक्राइबर है वो 10K कंप्लीट होने वाले हैं। तो कैसी लग रही है आप लोगों की वीडियो, हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर इतनी तरक्की कर ली है, आप लोग देख ही रहे होंगे। आप सब हमारे साथ में रेगुलर जो भी बच्चे हैं, आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने जो है 9th का मैथ्स अपलोड करना शुरू कर दिया है। 1.4 एक्सरसाइज हमारी लगभग अपलोड हो चुकी है। आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम भी अपनी एक्सरसाइज को अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। क्लास 12th का भी हमने शुरू किया है, क्लास 11th, क्योंकि अभी क्लासेज नहीं चले इसलिए क्लास 11th का भी अपलोड नहीं हुआ है। तो सभी बच्चे कमेंट्स करके एक बार बताएंगे कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। वाओ मैथ्स की भी हमने वीडियो अपलोड करनी शुरू करी है, और भी आप जो भी चाहते हैं सॉल्व ट्रिक्स वगैरह आपको सभी मिल ही जाती है। संडे लाइव क्लास हमारी जो शाम को होती है 5 बजे, उसमें जरूर आप लोग आया कीजिए, क्योंकि वहां से हम लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, अपनी मन की बातें, स्कूल की बातें, और क्या क्या चल रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैथ्स और साइंस के, आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। अपना जो एक चैनल है तिवारी क्लासेस इंग्लिश यूट्यूब चैनल, जो है आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो अपना एक व्लॉग वाला चैनल है तिवारी क्लासेस व्लॉग्स, आप लोग वहां पर भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को व्लॉग्स वाले चैनल पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स की भी कुछ वीडियोज आपको मिलेंगी, बाकी हंसी मजाक की आपकी जो भी वीडियोज हैं आपको सब वहां मिलेंगी। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों को कहेंगे, अपने साथ के जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है सभी को, और वीडियो को शेयर करेंगे, जैसे कि और भी जो बच्चे आपके स्कूल में जहां भी ऐसी बुक्स चल रही हैं। देखिए, मैं आपसे हर बार एक ही बात कहता हूं, और वो ये एक बात कहता हूं कि हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है। मैथ का मतलब मान लीजिए आपका चैप्टर है रेशनल नंबर, मान लीजिए चैप्टर है आपका रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर्स में ये बताइए, पहले आप कोई सी भी बुक कर लीजिए, चाहे आप RS कर लीजिए, चाहे आप NCERT कर लीजिए, चाहे आप कंपोजिट कर लीजिए, चाहे आप मैथ्स टुडे कर लीजिए, चाहे आप मैथ्स टुडे कर लीजिए, चाहे आप कर लीजिए वाओ मैथ्स कर लीजिए, या एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी है, भाई चैप्टर का नेम तो यही होगा। बात को समझने की कोशिश करूं, चैप्टर का नेम तो यही होगा, या चैप्टर का नेम ही आप चेंज कर देंगे। तो आपसे हर वीडियो में एक ही बात कही जाती है कि चैप्टर का नेम वही है, चाहे आप दुनिया भर की मैथ्स की बुक उठा ली, ना जाने पता नहीं कितनी बुक्स हैं। बात आ रही समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं? तो चैप्टर का नेम वही है, क्वेश्चंस का तरीका वही है, सिर्फ चेंज है। तो चेंज क्या है? वो है डिजिट। क्या चेंज है? वो चेंज है सिर्फ डिजिट। अगर आप लोगों को मैं पहले ही कहता हूं, मैं आप लोगों को इस चीज को पहले ही बताता हूं कि जब डिजिट चेंज है आपको प्रॉब्लम क्या आई यार, ये बताइए। एक बुक में मान लीजिए 8 लिखा हुआ, एक में उसने 9 लिख दिया, प्रॉब्लम क्या आई इसमें, इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम आई क्या? तो जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाएगा कि एक साथ में NCERT भी कर दो, एक साथ में RS भी कर लो, एक साथ मैथ्स टुडे भी कर दो, और एक साथ में कंपोजिट कर दो, एक साथ में ये सारी बुक्स एक साथ कैसे हो जाएंगी। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसको समझिए, क्वेश्चन को, पैटर्न को समझिए, मेथड को समझिए, करने का तरीके को समझिए आप लोग, फिर उसके बाद में आप लोग उसको नोट करिए, उसके बाद खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। हर बार मैं अपनी वीडियो में यही बात कहता हूं, हर बार आप लोगों के कमेंट्स यही आते हैं कि सर ये वाली वीडियो डालिए, सर ये वाली वीडियो, समझने की कोशिश करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि कोई भी बुक हो, कंटेंट सभी का सेम है, करने का मेथड सभी का सेम है, आप लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड करता कि आप लोग उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को। समझ में आ रही बात? एग्जाम में मैथ का पेपर आया, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आपने तो कुछ 8 करके गए थे, एग्जाम में 9 आ गया, आप लोग वहीं पर फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर करें तो करें क्या। तो आप लोग कोशिश करिएगा, रिफ्रेशर से भी कर सकते हैं, ना जाने इतनी बुक्स हैं मैथ की, कहीं से भी आप गूगल में उठा लीजिए, बुक्स मिल जाएंगी आपको, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। करिए प्रैक्टिस, जो भी आपको करना है अच्छे से मन से करिए, ठीक है। तो किसी को भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, मैथ्स का रिवीजन, क्लास 10th 12th के आप फिर से बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, टर्म सेकंड के एग्जाम है, 24 से वैसे तो स्टार्टिंग है, 26 में मेन एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम पड़ेगा शायद, मुझे पेंट एंड जो भी है, ठीक। क्या तरीका है मैथ्स का रिवीजन का? सबसे पहले आप लोगों ने सभी ने फॉर्मूलाज की नोटबुक बनाई होगी, छोटी टेस्ट कॉपी आप लोग बना सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज जो भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, सभी के लिए बता रहा हूं, चाहे आप 6 में हो चाहे 7 में हो, मैथ्स के फॉर्मूलाज सभी को उसमें नोट करने हैं।
आप लोग मेथड्स नोट कर सकते हैं कि मेथड किस मेथड से कौन सा तरीका, कौन सा क्वेश्चंस आपको करना है, लिख लेंगे एक नोटबुक में। एग्जाम से पहले आप लोगों को वो ही देखना है, आप लोग क्वेश्चन मत देखिए, फिर आपको मेथड देखना है, आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, उनका तरीका देखिए, ठीक, उनके फॉर्मुलाज लर्न कीजिए, आपको सिर्फ इतना करना है। अगर आप ज़्यादा ही चक्कर में पढ़ेंगे, आप ज़्यादा के चक्कर में जो आपको आता होगा वो भी आप खो देंगे। इसलिए डिप्रेशन में ना जा करके, डाउट में ना जा करके, कंफ्यूज ना हो करके सिर्फ फॉर्मुलाज पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्मुलाज के साथ साथ आप लोग मेथड पे ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से आपको उस मेथड को कंप्लीट करना है। ये छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को सबसे अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे तो आपको प्रॉब्लम फंस जाएगी। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में हम बोर्ड के सीधे बात करें तो 15 आपको मिनट शुरुआत के जो मिलेंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाएगा, सीट आपको बाद में मिलेगी, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। सीबीएसई का नोटिफिकेशन जो आया है, पहले भी यही था, अब भी वही है, क्योंकि पहले ओएमआर सीट थी, अब ओएमआर सीट नहीं है, अब आपका सब्जेक्टिव होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, 15 मिनट्स को मैं फर्स्ट जो 15 मिनट्स होंगे उनमें क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज को, एक एक वर्ड्स को समझना है, और जो आपको लगता है कि ये मेन वर्ड है, ये मेन लाइन है, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप उसको सर्कल भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग उसको डार्क कर लीजिएगा, जैसे आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे करेंगे, आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, आपको जैसे ही आप उस पर नजर पड़ेगी समझ जाएंगे कि यहाँ ट्वाइस ऑफ द नंबर या गिवी नंबर या जो भी है, आप लोग वहां पर उसको पकड़ेंगे। तो जो कुछ मेन चीजें हैं जो आपको बताई है, आपको इनका ध्यान रखना है कि रिविजन कर रहे हैं, अच्छी बातें करते रहिए, बट आपके सभी के पास मैथ्स की फॉर्मुलाज की नोटबुक जरूर बनी होनी चाहिए। देखिए बुक में तो है, या बच्चे सोचेंगे सर बुक में तो है ही, बुक में तो सब कुछ है, क्वेश्चंस भी हैं, एक्सरसाइज भी है, आंसर शीट भी है, क्या जरूरत है पढ़ने की, मत पढ़ो। तो अपना आप लोग एक डायरी बना ले, सर डायरी सबके पास होती है, डायरी में एक मेथड लिख लीजिए, डायरी में फॉर्मुलाज लिख सकते हैं। यही सब छोटी छोटी ट्रिक्स जो आप लोगों को बताई जा रही, यहीं से आप 90 से 100 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, यहीं से 90 से 100 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, और आपका टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड मिला करके वही आपका 100 के आसपास बैठेगा, 10 का आपका इंटरनल है, और अगर उनकी बात करें तो प्रैक्टिकल आपका 10 का हो जाएगा एक तरह से 12th में। तो यही सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैथ्स टुडे का भी आप लोगों का सिलेबस 6 to 8 आपका अपलोड है, क्लास 9th का आप लोगों को अपलोड किया जा रहा है, 1.4 तक हमने अपलोड कर दिए हैं, क्लास 10th भी 5 चैप्टर्स आपके अपलोड हैं, क्लास 12th भी 5 चैप्टर नंबर 1 की 1.4 तक हमने अपलोड कर दी है, क्लास 6 to 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका अपलोड है। सिर्फ आपको इतना काम करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी बुक का नेम देखना है, जो भी आपका मैथ्स टुडे है, कंपोजिट है, वाओ मैथ्स है, एनसीईआरटी, जो भी आप लोगों को सब वहाँ मिल जाएंगी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप सीधे बुक एक्सरसाइज पर पहुंच जाएंगे, और जो भी आपको वहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है उस पर क्लिक करके आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम और आती है, कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए हुए हैं, कुछ हमने क्या है होमवर्क में दिए हुए हैं, तो वो होमवर्क के क्वेश्चन को ऐसा मत सोचिए कि सर ने ये आपको सिर्फ इसलिए दिए गए हैं जैसे कि हमें ये पता चल पाए आपको कितना समझ में आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग कंप्लीट ही करें। देखिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक तरह से यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं पता कौन कर रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करना है। होमवर्क इसलिए कहा, होमवर्क करेंगे अगर वो क्वेश्चन तो आप उसको कमेंट्स करके बताएंगे, कमेंट्स करके बताएंगे तो हमको पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तिवारी क्लासेस का इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप लोग देखेंगे जैसे ही वहाँ चैनल पर पहुँच जाएंगे, आप ब्लॉग वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बाद में, नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे, और तिवारी क्लासेज यानी आपका यूट्यूब चैनल आप ऐसे ही देखते रहेंगे, और अपने सुझाव जो भी आप चाहते हैं, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं, आप लोग जो भी सजेस्ट करना चाहते हैं सर ऐसे करिए वैसे करिए, आप लोग टेलीग्राम पर आइए, संडे लाइव क्लास में आइए और बताइए कि सर इस तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हम लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए संडे में मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, गुड बाय।